हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सर्कल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, इससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर दूं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज़ द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, यानी भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मिस्टर अबुल कलाम आज़ाद, जो कि एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। उनको भारत की आज़ादी के बाद भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। मिस्टर अबुल कलाम आज़ाद ने एक इम्पोर्टेंट बुक भी लिखी है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मिसेस एनी बेसेंट, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। उनका एम था टू रिवाइव द एंशियंट इंडियन आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल को भी स्थापित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इम्पोर्टेंट बुक के बारे में है, बुक लाइफ डिवाइन। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया था। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है मिस्टर अरबिंदो घोष, जो कि 1902 से लेकर 1910 तक जो इंडिया की पॉलिटिक्स थी उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और एज ए फ्रीडम फाइटर वर्क किया था। उन्होंने इस बुक को लाइफ डिवाइन को लिखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य के नाम से किस फ्रीडम फाइटर को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे, बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर थे। उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है और उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के भी वो एक फाउंडर मेंबर थे। उन्हें बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी पेट्रियोटिक फीलिंग्स जो स्प्रेड करने के लिए पेपर्स भी लिखे थे जिनके नाम थे केसरी एंड मेहरता। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल सॉन्ग जो कि वंदे मातरम है किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, इजी क्वेश्चन है बट फिर भी बता देते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस फ्रीडम फाइटर द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है भगत सिंह, जिन्हें शहीद आज़म के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो फ्लैग था, इंडियन फ्लैग, इसको स्टटगर्ट जर्मनी का एक सिटी है वहाँ पर किसके द्वारा लहराया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मैडम भीकाजी कामा, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रही हैं, जो कि जिन्होंने फॉरेन में रहते हुए भारत की फ्रीडम फाइटर के लिए रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ उनको ऑपरेट किए बाहरले कंट्री से। तो उन्होंने जर्मनी में 1907 में भारत का जो फ्लैग है उसको लहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत आज़ाद होने वाला था तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की बनाई गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो किसको बनाया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मिस्टर बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था जिसका नाम था न्यू इंडिया। तो क्वेश्चन ये है कि इस न्यू इंडिया न्यूज़पेपर को किस फ्रीडम फाइटर द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बिपिन चंद्रपाल।
बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों मिलकर लाल बाल पाल के नाम से भी एक एज ए ट्रायो जाने जाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? हु इज़ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स, इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए काफ़ी ये क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इससे हमें और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाता रहूँगा नॉलेज से भरपूर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।